हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ और तार से काफ़ी खूबसूरत मॉडल बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा तार चाहिए जिस पर प्लास्टिक का ढीला कवर हो और इसे 5 मरतबा मोड़ें और आखिर में इसे कैंची से काटें। फिर जो तार वाला सिरा है इसे प्लास्टिक के ढीले कवर में फंसा दें जिससे कि 3 पंखड़ियों वाला एक फूल बन जाएगा। ये बन गया हमारा 3 का जोड़। इसी तरह अब आप एक लंबाई का स्ट्रॉ काटें और 2 स्ट्रॉ को एक तार से जोड़कर एक हादा जाविया बनाएं, एक कायमा जाविया बनाएं, फिर एक मुनफर्जा जाविया बनाएं, फिर 3 स्ट्रॉ को 3 जोड़ों से जोड़कर एक मुसलस बनाएं। ये एक मखसूस किस्म का मुतसाविल उजला मुसलस होगा। इसके तमाम जाविये 60 दर्जे के होंगे। इसके बाद एक तरफ से निकालकर एक स्ट्रॉ और जोड़ दें जिससे कि एक मुरब्बा बन जाएगा। इसके तमाम जाविये 90 दर्जे के होंगे। फिर एक और स्ट्रॉ जोड़कर एक मुखम्मस बनाएं। अब आप 3 के जोड़ों के 4 फूल लें और 6 स्ट्रॉ को जोड़कर सबसे पहले एक पैटर्न की तरह बनाएं, फिर बाकी स्ट्रॉ को फंसा फंसा कर इस तरह का ढांचा बनाएं जिसमें 6 स्ट्रॉ और 4 जोड़ होंगे और जो 4 त्रिकोण का बना होगा। इसे हम 4 सतही शक्ल कहते हैं क्योंकि इसमें 4 सतहें हैं। ये बहुत ही पायदार ढांचा है। आप फ्रूटी की स्ट्रॉ के बजाय रिफिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शफाफ होती है और इसमें हमें जोड़ भी वाजे नज़र आते हैं। इस तरह से नीचे एक त्रिकोण बनाएं, 4 पाए खड़े करें। ये बन गई एक तरह की त्रिकोणी छत। इसी तरह एक पिरामिड बनाएं या एक मकब बनाएं। इस तरह एक घर बनाएं। इस तरह से आप एक गेंद डोडेकाहेड्रन भी बना सकते हैं।